जागो माता की साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको एक बेहतरीन तरीके से धूप बत्ती किस प्रकार से बनाई जाती है उस मशीन के एक साधारण मॉडल चर्चा करेंगे। प्रैक्टिकल तरीके से दिखाएंगे कि वो मशीन किस प्रकार से काम करती है। धूप बत्ती बनाने के लिए आवश्यक सामग्री: 1 किलो देशी गोमाता का गोबर, 20 ग्राम हवन सामग्री, 10 ग्राम चावल, देशी गोमाता का घी 20 ml, भीमसैनी कपूर 60 ग्राम, नारियल तेल 150 ml और लोबान 10 ग्राम। इन सभी चीजों को आपस में मिक्स करके मिश्रण तैयार कर लेंगे। ये एक बहुत ही साधारण मशीन है जो हर घर में आसानी से मिल सकती है। सेवइयां बनाने की ये मशीन है। ये इसका हैंडल है और यहां से रॉ मटेरियल अंदर डाला जाता है। और ये देखिए, इसको घुमाने के बाद में ये यहाँ से बहुत ही साधारण तरीके से धूप बत्ती निकलती है। ये देखिए, ये धूप बत्ती इस मशीन के द्वारा निकाली गई है बहुत ही सहजता से, आसानी से। हम आपको प्रैक्टिकल करके बताते हैं कि ये मशीन किस प्रकार से कार्य करती है। इसमें रॉ मटेरियल डालेंगे। ये रॉ मटेरियल यहाँ से डाला हमने, गोबर जो धूप बत्ती का मटेरियल है वो हमने इसमें डाला। ये हैंडल है, इस हैंडल को यहाँ से हाथ से हिलाएंगे। ये हैंडल हिलाया, ये धूप बत्ती निकल रही है बहुत ही अच्छे प्रकार से। ये हैंडल को ऐसे हिलाया जा रहा है, यहाँ से थोड़ा सा दबाव बना के रखते हैं। बस ये हमने एक मार्क कर रखा है, जैसे ही यहाँ तक धूप बत्ती आई हमने इसको चाकू से इसको काट के खड़ा कर दिया। अभी नेक्स्ट, एक बहुत ही साधारण मॉडल है, ये घर में आसानी से बनाया जा सकता है। अभी देखिए, ये इस मार्क तक आई और हमने एक साइज सेट कर रखा है, इस साइज के अनुरूप इसको काट दिया। इस तरीके से ये देखिए, विभिन्न साइजों की हमने ये दो बत्तियां यहां पर बनाई हैं। यहां हमने 3 पाइपों को बेल्ट किया है लेकिन काम में 1 पाइप को ले रहे हैं। कारण इसमें एक दिक्कत आ रही है कि जो जब ये प्रेस करके बाहर निकलती है तो इसकी लेंथ में कोई तेजी से निकल रहा है, कोई कम निकल रहा है, इसलिए हमने एक ही पाइप काम में ले रहे हैं, इसको 2 को बंद कर दिया है। आप भी यदि ऐसी मशीन बनाएं तो इसमें एक ही पाइप बेल्ट कराएं। ये मशीन का ढक्कन यहाँ से आसानी से खुलता है। ये यहाँ से धूप बत्ती का मटेरियल प्रेस होकर निकल रहा था और ये देखिए, ये प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर हमने ये पाइप फिट करवाए थे वेल्डिंग के माध्यम से और यहाँ से प्रेस होके जो धूप बत्ती का मटेरियल है वो बाहर आ रहा था बहुत ही सहजता से। 2 दिन तक तेज धूप में सुखाने के पश्चात जब हम इस धूप बत्ती को प्रज्वलित करते हैं तो देखिए कितनी सहजता से आभामंडल को सुगंधित कर रही है। शास्त्रों के अनुसार भारतीय देशी गोमाता के गोबर से बनी यह धूप बत्ती वातावरण को शुद्ध एवं पर्यावरण को संतुलित करने के साथ ही स्वास्थ्य रक्षक एवं कीटाणुनाशक भी है। साथियों, ये थी धूप बत्ती बनाने की एक आसान प्रक्रिया। आशा करते हैं कि आप इसका निर्माण कर स्वस्थ जीवन शैली एवं गोमाता की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करेंगे। जय गोमाता, जय गोपाल।